देखिए आज हमने मटर के छोले बनाने जा रहे हैं। मटर के छोले बनाने के लिए हमने इसमें 250 मटर डाल दिए हैं गरम होने के लिए, मीन सीजने के लिए। इसमें एक चुटकी सोडा, मीठा सोडा डाले हैं। अब इसको हम कुकर के ढक्कन लगा के चलिए मटर को सिझा लेते हैं। देखिए छोले बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, वो है जो गर्म हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें हम 2 टसन सरसों का ऑयल डाल देते हैं। सरसों को ऑयल से कोई भी खाना में टेस्ट दोगुना आता है। देखिए ऑयल में बुलबुले होने लगे, यानी कि सॉरी कढ़ाई जो हमारी गर्म है अच्छी तरह से। देखिए हमने एक बड़ी प्याज काट के रखे हैं और एक टमाटर। आप इस तरह भी छोले बना सकते हैं, टमाटर और प्याज को मिक्सी में पीस करके भी बना सकते हैं। आज हम इस तरह बनाने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम प्याज डाल दिए हैं। देखिए मटर है जो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। देखिए हम उंगली से दिखाते हैं। देखिए प्याज है जो हो गया, अब इसमें टमाटर डालते हैं। छोले के मसाले ये लहसुन अदरक अदरक मिर्च का पेस्ट है, ये कश्मीरी मिर्च है जो रेड करने के लिए है, ये हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा बूंदी डाले तीखा करने के लिए, जीरा है ये प्लस धनिया है। गोलकी सिर्फ स्किप कर दिए क्योंकि मेरे पास गोलकी ख़त्म हो गया है, अब हम पीसेंगे तो ही। देखिए प्याज और टमाटर जो अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अब इसमें मसाले डाल दिए हैं। हम फ्राई कर लेते हैं, मसाले सब भून लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं ताकि मसाले है जो भुजा है अच्छी तरह से सके नहीं। देखिए मसाले जो फ्राई हो रहा है, देखिए कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है, कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो पर आप मसाला ही खा लें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। देखिए मसाले से ऑयल निकलने लगा है, इसलिए अब हम छोले डाल देते हैं। मेरा बेटा जो है बहुत हल्ला करता है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, जिद्दी बच्चा है। थोड़ा इसमें और पानी हम ऐड कर दिए हैं। अब इसको उबाल आने के बाद इसमें गरम मसाला हम ऐड करेंगे। फिलहाल मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं है, आप धनिया की पत्ती भी डाल दीजिए। देखिए इसमें हम गरम मसाला डाल दिए हैं, सॉरी वीडियो बंद किए थे हमको पता नहीं चला। देखिए कुछ गरम मसाला पीसे थे, इसमें दालचीनी था वो डाल दिए हैं। देखिए छोले बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने पतले छोले बनाए हैं, पूरी रोटी चावल दाल जिसके साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए हमारा गर्म गर्म छोले बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना टेस्टी है, बिना मसाले के छोले हैं, मसाले हैं इसमें बहुत कम है।